हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपको अपने चैनल आयत आईटी सर्विसेज में वेलकम करता हूं, खुश आमदीद करता हूं, सुस्वागतम करता हूं। तो गाइस, अभी तक आप लोगों को जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो एक कंटेंट के थ्रू क्लियर किया है, लेकिन आज मैं जो भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो स्कॉलरशिप का पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को मैंने पहले भी दिखाया, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको टोटली चीज़ फोटो से लेकर आपको आधार नंबर तक अपडेट करना, जांच पे जाकर पूरी चीज़ें क्लियर करूंगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं बॉटम टू हार्ट से शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग मेरे मेहरबानी के साथ, उनको भी मेरी दिल के साथ मैं कह रहा हूँ दिल की गहराइयों से कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ और घंटा वाला बटन साथ में ऑन कर ले। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए यूपी स्कॉलरशिप आपको सीधे गूगल में आ जाना है। आने के बाद स्कॉलरशिप यहाँ गूगल में देखेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको क्लिक करिए। रजिस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी पहले किया है, तो अब मैं सीधे आपको जो है स्कॉलरशिप भर कर दिखाऊंगा। तो अभी मेरे को रजिस्ट्रेशन जो मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है फ्रेश लॉगिन पे जाऊंगा, ये मैंने पहले ही बताया है। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया मैं किसी और वीडियो में भी दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको सीधा स्टेप में पूरा जो है आपको बता देता हूँ। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर कॉलेज, इसी को आपको चूज करना है। फ्रेश लॉगिन के अंदर नया रजिस्ट्रेशन मैंने किया है, उसके बाद आपको यहाँ पर सारी चीज़ें भरनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ डाल देता हूँ, जो रजिस्ट्रेशन नंबर था। तो सही से आपको रजिस्ट्रेशन जो भी आप करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के अंदर आपका चेंजेबल नहीं है, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आप ध्यान से देखिएगा कि डेट ऑफ बर्थ आपने क्या डाली है, ये भी मैंने डाल दिया। और पासवर्ड यहाँ पूछा जा रहा है, ऐसा करता हूँ कि मैं पासवर्ड को भी थोड़ा सा नोट करके उसको भी फिल कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पासवर्ड, वो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से मैं आपको पासवर्ड नहीं दिखा सकता, मैंने यहाँ डाल दिया। आपको ये डाल के कंप्लीट किया और इसके बाद डाला 14974, कैप्चा डाल के मैं सबमिट पे क्लिक कर दिया। अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ से जाके निकाल लेना, और नहीं तो आप आगे क्लिक करो। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर आप चले जाइए, जाने के बाद आपको प्रोसीज पर क्लिक करिए। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेप खुलकर आ जाएगा। कुछ स्टेप से पूरा करना होगा और यहाँ पर हर चीज़ों को ध्यान देना होगा। OTP वगैरह यहाँ पर पूछेगा, प्रमाणित हेतु आधार नंबर डालें, यानी आपका OTP भी मैंडेटरी करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हर चीज़ को देख लें। ये कई स्टेप है, पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन था, दूसरा रजिस्ट्रेशन स्लिप, उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, और तीसरा छात्रवृत्ति हेतु। तो मैं छात्रवृत्ति पे क्लिक कर दिया। छात्रवृत्ति जाने के बाद यहाँ पर आपको ये पूरा स्टेप भरना होगा। तो सबसे पहली चीज़ पाठ्यक्रम का प्रकार, आपको ये यानी शैक्षिक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, शैक्षणिक है, निजी है, जाति आय व आय है, बैंक है, शुल्क संबंधित है, गत वर्ष है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ से क्लियर करता जाऊंगा। तो पहले पूछा जा रहा है पाठ्यक्रम का प्रचार प्रकार, सॉरी प्रचार में कह रहा हूँ प्रकार, यहाँ किस प्रकार का, नियमित है कि स्वपोषित है। नियमित रेगुलर के लिए होता है, स्वपोषित सेल्फ फाइनेंस होता है। तो कुछ कोर्सेज जो होते हैं रेगुलर के अंतर्गत वो सेल्फ फाइनेंस के होते हैं, और कुछ तो रेगुलर होते हैं जैसे BSc हो गया, BCom हो गया, MCom हो गया, LLB वगैरह हो गया, लेकिन यहाँ स्वपोषित है तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको भरना है। तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया। तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को देख लें, नियमित और स्वपोषित। नियमित में वो कोर्सेज जो रेगुलर मोड पर चलाए जाते हैं, जो आप फीस देते हो वगैरह, BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, PhD, ये सब रेगुलर मोड पे होता है, ठीक है। तो उसको आप यहाँ चूज कर लेना, आपने एडमिशन किस में लिया है ये आप ध्यान दें। रेगुलर मोड में भी हमारे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज होते हैं उसके अधीन, जैसे BBA हो गया, BCA हो गया वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लेना। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो मैं यहाँ स्वपोषित, क्योंकि एडमिशन जो कैंडिडेट ले लें वो स्वपोषित पे लिया हुआ है, सेल्फ फाइनेंस जिसे हम बोलते हैं, यहाँ जाना है। उसके बाद उसके अंतर्गत किस में लिया है, हमने कहा MA में लिया है, ठीक है ना, BBA है, BCA वगैरह, ये देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें यहाँ गई। तो बी यहाँ पर आ जाएगा MA हमने ले लिया। यहाँ IT कोर्स भी हमारा जो है सेल्फ फाइनेंस में आता है,
तो इसीलिए। और वर्तमान का ब्रांच क्या है, किस में वो पढ़ रहा है, तो हमने कहा हिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, उनके सब्जेक्ट्स को देखते हुए चल। तो यहाँ जो कैंडिडेट का है वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश इकोनॉमिक्स पे चले जाएंगे। पाठ्यक्रम की अवधि क्या है, हमने कहा फर्स्ट क्लास है हुआ है, हमने कहा नहीं उसके आधार पे नहीं हुआ, एंट्री कोई हुई नहीं उसके आधार पे नहीं हुई। तो यहाँ पे दीवा है क्या, यहाँ स्टूडेंट क्या है, रूम लेके रहता है या हॉस्टल में रहता है, तो हमने कहा नहीं यहाँ रूम लेके रहता है। दीवा करेंगे कब उसने एडमिशन लिया, एडमिशन की डेट अब हमको यहाँ डालनी होगी, तो हम एक डेट डाल देते हैं, सही डेट आप डालिएगा। तो मैं उनके एडमिशन की जो डेट है मैं उसी डेट पे दिखाते चल रहा हूँ, ताकि आपको ये थोड़ा सा डेट को आगे पीछे गलत भी हो सकता है, तो आप जांच पे डाल के इसको फिर से कर सकते हैं। तो ये हो गया पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में आवेश कब लिया है, सेम डेट में, क्योंकि सेकेंड फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लिया, वो डेट भी आपको यहाँ सेम डेट को डालना होगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो और पंजीक्रमांक है, अब यहाँ पर पंजीक्रमांक है कहाँ पे है, हमने कहा VBS वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय आप किस में एडमिशन एमए में लिया है, कहाँ से जुड़ा उसको वहाँ डालना होगा। अब यहाँ पे पंजीक्रमांक, पंजीक्रमांक कहते हैं इनरोलमेंट नंबर, वो इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ फिल कर दीजिए, ये मार्कशीट में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप जीरो जीरो, क्योंकि यहाँ मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी यहाँ नहीं है किया गया है, इसलिए स्टार नहीं बना है, तो आप इसको ना ही डालिएगा, आप डायरेक्टली आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो मैं पूरा डाल के आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। तो ये कर दिया, यहाँ पर पूछा है किस बेस पर, मैंने कहा इस नैतिक बेस पर, और यहाँ जो डाला है वही मैं उठा के कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है, आपके लिए पूरा स्टेप क्लियर करना है, तो इसी वीडियो को पूरा देखें। तो और यहाँ पर मैंने कहा कि नहीं वैसा ही के आधार पर नहीं हुआ है, पाठ्यक्रम ट्वेल्थ के नहीं, और उसके बाद ये डिटेल्स को पूरा फिल करना है, तो मैं इसको फिल करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने हाई स्कूल का डाल दिया, अब उसके बाद ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ, तो ये शायद नंबर थोड़ा सा स्पेशल कैरेक्टर यहाँ अलाउ नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और डालने के बाद मैंने यहाँ ऐड रो पे क्लिक कर दिया, और दूसरी रो भी यहाँ बन गई। अब इनका इंटर का मैं डाल देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर करता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबी बन रही है, तो इसलिए आप वीडियो को देखिए, मैं वीडियो को क्लियर करता जाता हूँ। और यहाँ पर इनका परसेंटेज जो बोल रहा है 67.443 कर देते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से है, तो मैंने कहा सी एस सी बोर्ड है, इसको मैंने डाल दिया CBSE बोर्ड, ठीक है, ये डाल दिया CBSE बोर्ड है। और यहाँ पे फिर मैंने ऐड पर क्लिक कर दिया, ऐड में एक और क्लिक किया, और मैंने एक थर्ड इनका जो है ऐड करके पूरा करके फिर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट को, ठीक है। तो गाइस ये पूरा मैंने यहाँ कर लिया, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ चला जाता हूँ, ये कैप्चा जो लिखा हुआ है दिए गए कोड इसको भरना है। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, पूरा देखें समझ में आ जाए, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करें, जैसे आप सबमिट क्लिक करोगे तो यहाँ दे देगा, और उसके बाद यहाँ पर आपका आधा एड्रेस पूछेगा, तो मैं इसको एड्रेस को भी पूरा कर देता हूँ। गाइस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये बता दिया, ये हाउस नंबर हो गया, दोनों एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस नॉन परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट जहाँ पर रहते हो वो आप लिख सकते हो, ये लिखकर आप आधार के हिसाब से आप डाल सकते हो, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट की सिर्फ रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी जाति की और आय की जरूरत पड़ती है। और ये हमने करने के बाद इसको सबमिट पे अपडेट कर दिया, जैसे अपडेट किया अगले स्टेप में इसे ट्रांसफर कर दिया। अब जाति नहीं मांग रहा है यहाँ, जाति के लिए इसने बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि जाति जो है सिर्फ और सिर्फ OBC और SC ST वालों की लगती है, इसलिए यहाँ इसने एक्टिवेट नहीं किया है। ना इसमें निवास की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जो पहले भी मैं बताते हुए आया हूँ। तो मैं आपको यहाँ इसको जाति है नहीं, इनकम सर्टिफिकेट भर कर आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ इनकम सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें यहाँ मैंने भर के और कैप्चा डाल के यहाँ प्रमाणित पर टिक करने के बाद मैं इसको नीचे आता हूँ, उसके अपडेट पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, अब आपका मेन टॉपिक ये है, मैं यही चीज़ को अभी आपको क्लियर। तो गैस आप में से जो बहुत से लोगों का क्वेश्चन था, अकाउंट किसी भी जिले का हो तो क्या स्कॉलरशिप आ जाएगी, या हमने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो क्या, लेकिन अकाउंट किसी और जिले का हो, ये दो क्वेश्चन आप लोगों का बहुत सा हर कोई पूछता था, तो मैं इसी पे बेस पर यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को स्कॉलरशिप में दिखा दिया कि बैंक का नाम जहाँ छात्र छात्रा, ये देखिएगा ये चीज़ ऐसा नहीं कह रहा है कि आप कहीं के हों, कि यहाँ पे सारा बैंक का नाम पूछा, इस बैंक के हिसाब से आपको ये भरना है। तो आप चीज़ों को समझिएगा, ये बैंक का पूरा नाम इसने खोल दिया, हर बैंक का नाम,
जो भी यहाँ क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ बताया है। यहाँ आपके जो क्वेश्चन थे कि अकाउंट किसी भी जिले का हो तो स्कॉलरशिप आ जाएगी, क्योंकि पहले की वीडियो मैंने ये बताया है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, किसी भी जिले का हो या क्या नाम एडमिशन लिया हो, अकाउंट किसी जिले का हो तो स्कॉलरशिप आएगी। तो मैं आपको वही चीज़ें यहाँ क्लियर कर दूँ कि बैंक का नाम, जनपद क्या नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आधार से, यानी जो खाता हो वो आपके आधार से लिंक होना मस्ट है। जो यहाँ केवाईसी पूछा जा रहा था, अभी केवाईसी इसमें खैर नहीं है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। केवाईसी का भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, तो मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देता हूँ और समझा देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ सके। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैंने यहाँ बातें बता दूँ कि आपको ये चीज़ें बनना, जहाँ खाता है। अब ऐसा नहीं कि आप आजमगढ़ के हैं तो आजमगढ़ खाता नहीं, आप मऊ के रहने वाले किसी भी डिस्ट्रिक्ट के आप हो, अगर पढ़े शिवली कॉलेज में तो आप यहाँ भर सकते हो, ये जरूरी है। तो मैं भर के इसको पूरा करता हूँ। तो देख सकते हैं कि मैंने अब जो बैंक का नाम था स्टूडेंट का वो फिक्स कर दिया है, जनपद जहाँ का छात्र का खाता है। तो अब वो खाते को आपको यहाँ डालना है। तो अब खाता आपका कहाँ है, आजमगढ़ में है, यहाँ तमाम जिले है, देख सकते हैं आप कहाँ पढ़ रहे हैं, वो चीज़ है इसने पूछा है। ऐसा नहीं कहा है कि नहीं, जनपद जहाँ का छात्र का खाता, हमने कहा आजमगढ़ का है, तो आप आजमगढ़ को यहाँ डाल दीजिए, हट गया। उसके बाद ब्रांच कहाँ की है, वो ब्रांच आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। तो वो ब्रांचेस आपकी कहाँ की, हमने कहा आजमगढ़ हीरापट्टी की है। और उसके बाद बैंक खाता नंबर, ये ऑटोमेटिकली देखिए पेन आ चुका है यहाँ पर, आईएफएससी कोड ऑटोमेटिकली, और आपका नाम क्या है वो है यहाँ आपको डालना होगा। तो मैं आपको डाल के फटाफट क्लियर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर जो डाल दिया, वही सेम अकाउंट आपको यहाँ भी डालना है, क्या नाम है वो डाला। और यहाँ डालने के बाद मैंने इसको पूरा कर देता हूँ। और खैर मैंने पूरे स्टेप को मैंने क्लियर कर दिया, वीडियो को लंबा बना दिया, और आपका अगर वो सही रहेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो वो क्लियर हो गया, शुल्क में ले लिया, अब ये कंप्लीट। अब यहाँ कितनी फीस लगी वो फीस यहाँ आपको डालनी होगी। मैं फीस डालता हूँ और उसके बाद डाल के आपको क्लियर कर दे। तो गाइस यहाँ फीस आपको डाल दीजिए, तो मैं फीस डाल देता हूँ क्योंकि ये बाद में चेंज हो सकती है। और ये सेम वही चीज़ है, मैं पूरी चीज़ों को उठा रहा हूँ, आपको हर चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट आगे ना रहे। और ये करने के बाद मैंने अपडेट कर दिया और अब यहाँ पे आ गया मेन क्वेश्चन। दो अब यही चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो यहाँ पर आप पूछते हो कि स्कॉलरशिप भरने में गत वर्ष का क्या नंबर फिल करें। अब यहाँ पर बात ये इसकी आ गई है, क्या फील करेंगे, क्या फील करेंगे, क्या पूछेगा, गत वर्ष का क्या फील करें, ये मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। तो आपको जो यहाँ पूछेगा ये देख सकते हैं कि दे दिया, रिजल्ट नॉट ये डिक्लेयर, विदाउट मार्क्स, विद मार्क्स, प्रमोटेड विद मार्क्स के साथ हुआ है, विदाउट मार्क हुआ है, अगर आप पास हुए प्रमोट किए गए और नंबर कोई नहीं है तो विदाउट मार्क आप चूज करके कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे उन चीज़ों को डालेगा लेकिन ये एक्टिव हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा ऑलरेडी रिजल्ट है, पास है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा वार्षिक, वार्षिक डाल के उसके बाद वार्षिक पढ़ा ली, ये चीज़ यहाँ पर आपको सेलेक्ट पर टिक करके, अगर आप हैं रिजल्ट विदाउट मार्क्स पे आप क्लिक कर दिए। मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ मैं डाल के देखता हूँ एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, या क्यों मैंने डाल दिया, ये डाल के मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। तो ये शायद नंबर जो है नहीं लिया, क्योंकि यहाँ इसने पूछ रहा है हमारा वार्षिक, तब मैंने ले लिया और इसको अपडेट करता हूँ, तो ये मेरे ख्याल से अपडेट हो जाएगा। देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ अपडेट कर लिया मैंने। और अभी मेरा ये बाकी है स्टेप, तो मैं इसको फिर से वापस खोलूंगा और फिर से मैं अभी नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ फोटो के बाद वहाँ पे वो ऑप्शन फोटो लेगा, तो वहाँ पे मैंने भरा है वो, अभी मैं आपको वापस उस पर जाकर फिर से आपको जाँच पे दिखाता हूँ। तो फोटो अपलोड करना है, फोटो मैं देख लेता हूँ फोटो कहाँ है, उसी हिसाब से अपलोड पे। तो गाइस अब यहाँ फोटो अपलोड करता हूँ, जैसे मैंने फोटो पे अपलोड किया और करने के बाद 20 KB साइज से गया, मुझको उतनी साइज की होनी चाहिए, नाम के साथ यहाँ पूरी चीज़ें आ गई हैं। और यहाँ गया हूँ, यहाँ जाने के बाद मैंने यहाँ पर वो फ़ोटो जो थी, ये फ़ोटो है, थोड़ा साइज इसकी राइट पर क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके इसकी साइज़ को कम करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको और स्लो करता हूँ, का साइज़ को कम से कम 20 KB के अंदर लानी है, साइज़ को थोड़ा सा छोटा बड़ा करना है, ये ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो में बताता रहा हूँ, तो मैं इनकी साइज को थोड़ा कम कर देता हूँ और उम्मीद है कि ये आ जाएगा, सेव कर देता हूँ। अब जाके मैं इसकी साइज को चेक कर लेता हूँ, ये साइज मेरी 29 KB है लेकिन 20 KB मांग रहा है, इसकी साइज को और कम कर रहा हूँ। तो ये भी हो गया, यहाँ गया,
ये पूरा हो चुका है, और ये साइज भी मैंने कम कर दी, 20 KB के अंदर साइज हो चुकी है। ये ले लिया और अपलोड कर दिया, ये अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज भी आया कि ये क्लियर हो चुका है। तो ठीक है, मैं वापस फिर से जाता हूँ और फोटो का भी काम खत्म यहाँ पे हो चुका। अभी जो मुझे वापस संशोधित पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है, संशोधित पे फिर से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये जो मैंने गत वर्ष किया था उनका नंबर, मेरे मार्क्स मालूम है, मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा था। मैंने कहा पास, उनके परसेंटेज को मैंने कहा वार्षिक पढ़ा ली, वो डाल दिया, संस्था द्वारा अंकित क्या है ये नंबर, ये मैंने यहाँ डालना है मेरे को, ठीक है। तो उनका जो नंबर था मेरे, मुझको खैर ये मालूम है, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये देख सकते हैं कि मैंने डाल दिया। अब शिक्षण का नाम कहाँ से पास आउट किया है, वो संस्था का नाम मैंने डाल दिया, ये मैंने पूरा आसानी के साथ हो गया, मैंने कंप्लीट कर दिया हर स्टेप। आप समझा, आपको मैंने बता दिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो ये मैं पूरा भर के इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया और ये पूरा हो गया। वीडियो थोड़ा लंबी मैंने बना दी है आपके लिए, वीडियो बहुत लंबी मैंने बना दी, क्योंकि हर स्टेप आपको क्लियर करना था, जो आपका डाउट था वो कर दिया, और करने के बाद मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ये अपडेट हो गया, अपडेट ये लिखा सक्सेसफुली अपडेट। अब मैं बाहर आ जाता हूँ, फोटो का भी काम हो गया, ये भी हो गया, कर दिया। अब मेन काम आपका ये जो मुझे दिखाना था कि आधार, ठीक है, आधार। अब यहाँ पर आधार वाला जो नंबर पूछा है वो मुझे नंबर डालना है, फिर OTP से डाल के इसको करना है। ये सबको करना है, ऐसा नहीं कि आप ही करेंगे, सब कुछ है। OTP की इस बार गवर्नमेंट ने आधार से इसको मैंडेटरी किया, सिर्फ 3 बार आप काम कर सकते हो, इसीलिए इन चीज़ों को 3 बार करना आप लोग, ठीक है। तो मैं उनके नाम को, अगर कोई गलती होगी तो यहाँ तुरंत मैसेज देगा, और गलती नहीं होगी तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो गैस, ये आपने आधार का नंबर मैंने यहाँ डाल दिया, ऊपर नीचे 2 बार नंबर डालना है डिप्लोमेटिक, और यहाँ डालने के बाद में यहाँ कुछ भी अगर होगा तो यहाँ पर ये चला जाएगा। यहाँ पर वेरीफाई पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और वेरीफाई जाने के बाद OTP यहाँ जा चुका, कोई मैसेज नहीं दिया, इसका मतलब सही है, इसका मतलब जाने का यही मेन इशू है कि ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब अथेंटिकेट पे यहाँ क्लिक करता हूँ, और आधार यहाँ क्लियर हो चुका है, रिसेंट पे क्लिक करके मैं रिसेंट पे क्लिक कर देता हूँ और आधार के OTP चेक कर लेता हूँ, इस नंबर पे जा चुका है। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं कि OTP भरे, मैंने OTP डाल दिया, यहाँ पे OTP आ चुका है मेरे नंबर पर, मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये डालने के बाद वेरीफाई पर मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करके मैंने यहाँ इंतजार कर लिया, प्रमाणित सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ टिक हो चुका है। तो जाँच का भी आ गया है, जाँच निकाल लेता हूँ, जाँच निकाल के मैं इसको जो है सेव करके कैंडिडेट को दे देता हूँ। कैंडिडेट को जांच पे क्लिक करिए, जैसे ही आ गया, और इसको वेब प्रिंट पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को इसको सेव कर लेता हूँ, और ये मैंने सेव कर लिया कहीं भी, एक तरफ समरी मैंने सेव हो गई है। बैक आ जाता हूँ और रजिस्ट्रेशन भी निकाल लेता हूँ। तो आई होप आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। मैं इन चीज़ों को पूरी तरीके से मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। तो मैं आसानी के साथ आपको बता दिया हूँ, हर चीज मैंने आपको यहाँ क्लियर किया है, आपको वीडियो में मैंने पूरी चीजें मैंने बता दी, और इसके बाद जांच के इतने तक आप काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि अगर लॉक कर दिया तो क्या, नहीं, लॉक करने से पहले आप हर चीजों को मिला ले 2 बार 3 बार, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक जाँच के ऊपर, उसके बाद लॉक ना करें। अगर आपने लॉक कर दिया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर बाय द वे, अगर आपको कोई चीज़ है तो फिर आपको कॉलेज से नोटिस मिलेगी, या वो कॉलेज पर आ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए यहाँ यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे चैनल आयत IT सर्विसेज को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और आज का जो मैंने एम रखा है अपने वीडियो पर, वो 50 लाइक का एम रखा है, और उम्मीद करता हूँ बस वीडियो आप लोग देखिए, पूरा देखिए, तो समझ में आ जाएगा। हर स्टेप बताने का मेन मोटो यही होता है। तो आई होप आप लोग, और आप लोग जो है, हैप्पी दिवाली, ये बोलना था शुरू में, मैं भूल गया था, हैप्पी दिवाली एवरीवन। और आप लोग जो है अपने खुशी तरीके से करिए, और जो भी दिक्कतें हैं उनको खुद से दूर करने की कोशिश करिए, और एक दूसरे के समझने की कोशिश करें, देखिए पूरी वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, गुड लक, घर में रहें, सुरक्षित रहें।